बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सविता की परिवार रहता था। लेकिन उसके जीवन की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया जब सास बहू की रिश्ते में तनाव ने एक त्रासदी का रूप ले लिया। रामू की मां मंजू गांव की एक सम्मानित महिला थी, लेकिन उनका सख्त स्वभाव और आदतें सविता के साथ तनावपूर्ण रिश्तों का कारण बन गई थी। सविता ने हमेशा आदर दिखाया, लेकिन मंजू की आलोचनाओं से परेशान थी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव की जीवन रेखा नदी अचानक सूख गई, फसलें मुरझाने लगी और पानी की भारी कमी हो गई। सविता ने सोचा कि उन्हें और उनके परिवार को मिलकर गांव वालों की मदद करना चाहिए। उन्होंने रामू और मंजू को लेकर नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हुई। गांव की स्थिति और भी खराब हो गई। मंजू, जो हमेशा आदर्श परिवार की हिस्सा मानती थी, स्थिति से टूट गई। एक दिन एक भयंकर तूफान आया। नदी की सूखी धारा ने पानी का प्रवाह अचानक तेज हो गया और बाढ़ आ गई। सविता और रामू ने गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मंजू अपने घर के बचाव में लागी रही और बाढ़ में बह गई। सविता ने अपनी सास को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाढ़ की ताकत सब कुछ बदल दिया। मंजू की मृत्यु ने दिलों में गहरा आघात पहुंचाया। सास बहू की रिश्तों की यह तस्दी गांव में एक कहानी बन गई। लोगों ने देखा कि कभी कभी रिश्तों की जटिलताएं और समस्याएं इतनी गहरी होती है कि उनकी समाधान का प्रयास भी दुखद हो सकता है। रामू और सविता ने मंजू की याद में अपनी पूरी जिंदगी गांव की भलाई में समर्पित कर दी। इस तरह उन्होंने अपनी सास की आत्मा की शांति के लिए काम किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में जटिलताएं हो सकती है, लेकिन संकट के समय में मानव और एकता की शक्ति असली विजय होती है।